हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। सुबह 4 काली मिर्च हजारों रुपए खर्च करने से बचा देगी। काली मिर्च को खाने का तरीका अगर आप जानते हैं तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको काली मिर्च के ऐसे फायदे बताने वाली हूँ जो आपको हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी शायद ही मिल पाए, और उसके खाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। जुकाम होने पर काली मिर्च मिलाकर गर्म दूध पिए। यदि जुकाम बार बार होता है, अक्सर छींके आती है, तो काली मिर्च की संख्या 1 से शुरू करके रोज 1 बढ़ाते हुए 15 तक ले जाएं, फिर प्रतिदिन 1 घटाते हुए 15 से 1 पर आए। इस तरह जुकाम 1 माह में समाप्त हो जाएगा। खांसी होने पर आधा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण और आधा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 या 4 बार चाटे, खांसी दूर हो जाएगी। गैस की शिकायत होने पर 1 कप पानी में आधे नींबू का रस डालकर आधा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण व आधा चम्मच काला नमक मिलाकर नियमित कुछ दिनों तक सेवन करने से गैस की शिकायत दूर हो जाती है। काली मिर्च को घी और मिश्री के साथ मिलाकर चाटने से बंद गला खुल जाता है और आवाज सुरीली हो जाती है। 8-10 काली मिर्च पानी में उबालकर इस पानी से गरारा करें, इससे गले का संक्रमण खत्म हो जाएगा। काली मिर्च को घी में बारीक पीसकर लेप करने से दाद, फोड़ा, फुंसी आदि रोग दूर हो जाते हैं। आधा चम्मच पीसी काली मिर्च थोड़े से घी के साथ मिलाकर रोजाना सुबह शाम नियमित खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। पेट में कीड़े की समस्या है तो काली मिर्च को किशमिश के साथ 2-3 बार चबाकर खा जाए। 1 गिलास छाछ में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पीने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। दांतों में होने वाले रोग पायरिया से परेशान हैं और दांत कमजोर है तो काली मिर्च को नमक के साथ मिलाकर दांतों पर लगाएं, जल्द ही लाभ होगा। गठिया के रोगियों के लिए भी काली मिर्च काफी फायदेमंद साबित होती है। काली मिर्च को तिल के तेल में जलने तक गर्म करें, उसके बाद ठंडा होने पर उस तेल को मांसपेशियों पर लगाएं, दर्द में काफी आराम मिलेगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो दिन में 2-3 बार 5 दाने काली मिर्च के साथ 21 दाने किशमिश का सेवन करें। मलेरिया होने पर काली मिर्च के चूर्ण को तुलसी के रस में मिलाकर पीने से लाभ होता है। कब्ज होने पर काली मिर्च के 4-5 साबुत दाने दूध के साथ रात को लेने से कब्ज में लाभ मिलता है। पानी में तुलसी, काली मिर्च, अदरक, लौंग और इलायची के साथ उबालकर इसकी चाय बनाकर पीने से जुकाम व बुखार में लाभ होता है। काली मिर्च को किशमिश के साथ मिलाकर 2-3 बार चबाकर खाने से पेट के कीड़े दूर होते हैं। छाछ में काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीने से पेट में कीड़े मर जाते हैं। नींबू के टुकड़ों से बीज निकालकर इसमें पीसा काला नमक और काली मिर्च पाउडर भरकर गर्म करके चूसने से बदहजमी में लाभ मिलता है। 1 कप गर्म पानी में 3-4 पीसी काली मिर्च के साथ नींबू का रस मिलाकर पीने से गैस की शिकायत दूर हो जाती है। अगर किसी को बवासीर है तो काली मिर्च 20 ग्राम, जीरा 10 ग्राम और शक्कर या मिश्री 15 ग्राम कूट पीसकर मिला लें। इसे सुबह शाम पानी के साथ फांक लें, बवासीर रोग में लाभ होता है। त्वचा पर कहीं भी फुंसी उठने पर काली मिर्च पानी के साथ पत्थर पर घिसकर अनामिका उंगली से सिर्फ फुंसी पर लगाने से फुंसी बैठ जाती है। काली मिर्च सभी प्रकार के संक्रमण में लाभ देती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।